हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जावा ओइजी। आज हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो कि कई लोग ऑनलाइन JBL बूम बॉक्स की कॉपी खरीदने पर कई सवालों से घिरे रहते हैं कि कैसा होता है ये JBL बूम बॉक्स मिनी, उसकी कॉपी कैसी होती है, क्या मुझे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी परचेस कर रहा था तो मेरे भी मन में ये ख्याल था कि ये बॉक्स कैसा होगा। तो आज मैं अनबॉक्स करूंगा JBL बूम बॉक्स मिनी, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। लगभग 7 दिन का इंतजार मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बुलाऊं, लेकिन इंतजार बहुत लंबा और बहुत वो था। और मैं वीडियो सर्च कर रहा था कि किस प्रकार के वीडियो होंगे, कैसा दिखता है कैसा नहीं। ज्यादा वीडियो नहीं मिले इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो JBL बूम बॉक्स का अनबॉक्स का बनाया है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि JBL बूम बॉक्स मिनी कैसे आया है हमें। तो देखिए, ये है वो बॉक्स, ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा आया होगा, जैसे कि कंबोडिया का वीडियो दिखता है हमें। इंडिया में JBL बूम बॉक्स मिनी चाइनीज आता है, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है लोगो, और ये बॉक्स ऐसा ही दिखाई देता है, जहां पर पीछे भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसमें बताया है वायरलेस, 15 आवर ऑफ प्ले टाइम, 10,000 mAh की बैटरी विथ ड्यूल USB चार्ज आउट। यानी ये पूरा फेक है बॉक्स। बॉक्स पे जो लिखा है ओरिजिनल बूम बॉक्स मिनी का रिप्लिका है बॉक्स, मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है इसमें। तो दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है, लगभग 500-600 रुपए के लगभग, मुझे भी इतना ही पड़ा है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि कैसा है ये। जस्ट बूम बॉक्स का ये रैपर सेम टू सेम मिल जाता है, देख पा रहे होंगे आप, नहीं तो ये चलिए। इसे कार में बनाने का ये कारण था कि एक्चुअल साउंड इसकी पता नहीं चल रही थी कि कैसा होता है ये। तो ये हमारा JBL बूम बॉक्स है मिनी, जो कि एक पॉलीथिन पैक आया है नॉर्मल पैक में। ये पॉलीथिन हटा देते हैं, आप देख सकते हैं ये जस्ट स्मॉल सा है। ये साइज बड़ा दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये मेरे हैंड से इतना ही है। इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेंगे। इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, USB है, ऑक्स की केबल है और चार्जिंग पोर्ट जो है वो दी हुई है। और जस्ट ऐसा दिया हुआ है, आपको अलग से इसके रैपर JBL के मिल जाएंगे जो इसके अंदर आए हैं। साथ में देखते हैं इस बॉक्स में और क्या आया है। जी, एक USB केबल दी है दोस्तों, नॉट सेटिस्फाई मी। और ये आपको अगर चिपकाना हो तो रैपर भी दिया हुआ है। तो ये है बूम बॉक्स मिनी, बुक बूम बॉक्स, जो कि पावरफुल साउंड एंड बता रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, पर देखते हैं कैसा होता है ये। आइए स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं, क्या ये उस लायक साउंड दे पाएगा या नहीं। JBL बूम बॉक्स, मन की सवाल जो है आपके, मैं भी जानता हूँ कि कैसा होगा, क्या ये साउंड अच्छा देगा या नहीं देगा, कनेक्ट कैसा होगा, देखते हैं। ये दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले इसकी एक पावर ऑन की बटन होती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये पावर ऑन की बटन, इसको ऑन कर देते हैं। साउंड तो JBL बूम बॉक्स का ही है कि जैसे ये होता है। अब हम इसको ब्लूटूथ चालू करेंगे, कनेक्ट हो चुका है हमारा ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप देख पाएंगे ये जो दिख रहा है JBL बूम बॉक्स मिनी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक गाना प्ले करते हैं, किस प्रकार का साउंड है।
इसमें FM भी है जो कि करीब हो रही है। हम फिर से गाना बजा के देखते हैं कैसा बजेगा। माइनस से साउंड तो काफी अच्छा है जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन ये कार है, ओपन स्पेस में कितना होगा ये कुछ नहीं कह सकते। तो कॉन्ट्रैक्टर है सुखी राम जी, तो बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट ही क्यों? बाजार में कम दाम वाले भी तो है तो सही, पर कल छत से पानी टपके, दीवारों पे क्रैक आए, तो देखिए घर का काम और मेरा नाम दोनों खराब, और तब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ गया सुखी राम जी। जी हाँ, आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं। JBL बूमबॉक्स मिनी कॉपी एक अच्छा साउंड देता है, लेकिन बंद कमरे में आप आउटडोर पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसका चेक करना होगा वॉल्यूम कि आपको फिट बैठता है या नहीं। मैंने चेक किया था, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि इस बॉक्स का साउंड अच्छा है, लेकिन वो क्वालिटी फिर भी नहीं आती है। इसके लिए आपको ओरिजिनल खरीदे, या आप चाहते हैं कि आउटडोर पे आप गाना सुनना चाहते हैं तो आप इसे बजा सकते हैं, चला सकते हैं आसपास रख के, इसका साउंड अच्छा है, लेकिन पार्टी और डांस के लिए केवल घर में ही इसका साउंड बेहतर है। इसीलिए मैं इसे परचेस करने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये कम प्राइस में मिल जाता है और अच्छा बॉक्स मिलता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री साउंड नहीं आता है। तो दोस्तों, इस JBL बूमबॉक्स मिनी को परचेस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कहीं गाना सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं ब्लूटूथ से या अपने पेन ड्राइव से। तो मैं आपको पेन ड्राइव से भी इसका गाना सुनाता हूं कि कैसा बजेगा। तो ये रही पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हम कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइट, या पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है, बट प्ले करते हैं इसका सॉन्ग। दोस्तों मुझे इसका आइडिया नहीं है कि प्ले कैसे होगा। सभी ऑप्शन दबा के देख चुका हूं मैं। इसके साथ ना कोई मैनुअल दिया है ना कुछ दिया है कि किस तरह से प्ले होगा, इसलिए ये पूरा डाउटफुल होता है। कनेक्ट तो हो रहा है, दिखा रहा है, लेकिन प्ले कैसे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, दिस इज सॉन्ग एंड इट इज प्ले।
फिर से लगाते हैं दोस्तों। बजने के बाद बंद हो जा रहा है, पता नहीं होगी कोई इंटरनल प्रॉब्लम। या दिस इज प्लेइंग सॉन्ग बट कुछ प्रॉब्लम है शायद जिसके कारण ये बंद हो जा रहा है। साउंड तो आता है, नॉट श्योर हाउ टू प्ले एंड स्विच ऑन द फोल्डर, बट काफी बढ़िया है, कनेक्ट जरूर होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये प्ले करेगा नहीं करेगा पेन ड्राइव के साथ। बाकी ब्लूटूथ से बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दोस्तों हम बजा के देखें, जैसे ही पेन ड्राइव हटाएंगे ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ अगर ऑन हो तो उससे कनेक्ट हो जाता है। और फिर से प्ले करते हैं सॉन्ग हमारे मोबाइल में। इसलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। अल्ट्राटेक इंजीनियर्स। आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं सुखीराम जी, तो बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट ही क्यों, बाजार में कम दाम वाले भी तो है। है तो सही, पर कल छत से पानी टपके, दीवारों के क्रैक आए तो देखिए घर का। तो साउंड इसकी क्वालिटी अच्छी है बंद कमरे में, आउटर स्पेस में कम है लेकिन बढ़िया है। आप पिकनिक पे अगर ले जाना चाहते हैं या पार्क में इसका साउंड आपके नज़दीक हो तो बढ़िया हो जाएगा। पार्टी के लिए घर में अच्छा है, बाहर इसका साउंड कम है। बाकी ये अच्छा साउंड देने वाला स्पीकर है। अब ओरिजिनल के समान तो ये कर नहीं सकता है क्योंकि इसकी प्राइस भी उतनी ही है 500, और ये जो उसका ओरिजिनल है 20,000 से 25,000 के बीच में आता है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा हो लेकिन ये बैटरी बैकअप 4 घंटे तो देगा आपको, लगभग 2 घंटे तो जरूर देगा। और शुरुआत में ये अच्छा है, आपको एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा कि ब्लूटूथ स्पीकर होते कैसे। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना के मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ ताकि आपको इसके बारे में क्वालिटी कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। इसकी क्वालिटी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका साउंड अच्छा है। अगला वीडियो हम JBL Extreme का बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपकी रिक्वायरमेंट जो आप सोच रहे हैं कि ये स्पीकर कैसा होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों खरीदने से पहले एक बार मुझे मैसेज जरूर करें YouTube पे हमारे वीडियो के नीचे, और हमारे वीडियो को पसंद करने के बाद आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी फ्यूचर वीडियो के लिए आप इस बेल नीचे दिए हुए वीडियो के लिंक के नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वो है JBL Extreme का, आपको उसके बारे में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि JBL Extreme का वीडियो, और लिंक भी मिलेगा। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं उसे देखिए, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी होती है वो भी हमने अभी परचेज किया है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद और शुभ रात्रि, धन्यवाद।